है और हमारे साथ सीनियर फोटो जर्नलिस्ट उल्फत शाह साहब भी मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इनको कितना अर्सा हुआ है इस फील्ड में, सहाफत की फील्ड में, और इन्होंने अपने फील्ड के दौरान जो काम करने के दौरान क्या क्या वाकयात देखे, और कोई जो मशहूर वाकया है वो इनसे पूछेंगे कि वो कौन सा है। जी उल्फत शाह साहब, आपको कितना अर्सा हुआ है इस फील्ड में, आप फोटो जर्नलिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं अपनी जवानी से स्टार्ट किया, जब अभी मेरी दाढ़ी छबी इतनी आई नहीं थी, जब मैंने मेहनत काम शुरू किया। सबसे पहले मैं एक छोटे से अखबार में था, फिर उसके बाद क्या नाम था अखबार का, नाम मेरे जेब में नहीं है चुका। उसके बाद मेरे नज़ीर साहिबा रावलपिंडी तशरीफ लाई पहली बार, और वो ट्रक के ऊपर चढ़ी हुई थी, उनके सामने अगर ट्रक पर मैं चढ़ा हुआ था जिस पर बेन नदीर साहिबा की तस्वीरें बनाता रहा। उसके साथ वो यहाँ से रामला को आज़ाद कर दिए, वहाँ उनका जलसा। उस जलसे के दौरान बेन नदीर साहिबा अपने रस्म में चलेगी और हम उस जलसे के ग्राउंड में खड़े होकर देखते रहे। उसके बाद जो चबूतरा था जहाँ से बेन नदीर साहिबा ने खिताब करना था, वहाँ से वहाँ पे मैं खड़ा था, और जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे धक्का पहल शुरू कर दी, और उस तकरीबन कोई 20-25 ऊंचाई होगी उसकी, बल्कि उससे ज़्यादा, वहाँ से मैं ऊपर से गिरा और मेरी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई नीचे गिरते हुए। उसके बाद वहाँ के तमाम मेरे फोटोग्राफर और रिपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी, इस वास्ते कि बेनज़ीर साहिबा को बार बार कह रहे थे कि बेगम साहिबा हमारे एक अखबार का फोटोग्राफर जख्मी है, आप उसकी इजाज़त करने के लिए आएँ। हॉस्पिटल है वहाँ का जो आज़ाद कश्मीर का, मैं वहाँ दाखिल था। बेनज़ीर को आखिर में शाम 5-6 बजे करीब बेनज़ीर को मजबूर किया गया कि आप बेगम साहिबा उल्फत शाह को जाकर देखें, जिसमें बेनज़ीर साहिबा मेरे जलसे से पहले मुझे आकर मिली हैं और उन्होंने मुझे देखा और मेरी खैरियत पूछी। मैंने उनसे खैरियत, उन्होंने मेरा पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। मैंने कहा बेगम साहिबा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जबकि वहाँ के आज़ाद कश्मीर के साबक सदर थे और साथ वजीर थे, उन्होंने उनको बेगम साहिबा ने आर्डर किया कि जो ख़र्चा है वो इनके इनका किया जाए, इन पर किया जाए, और वो आप इनको हर सहूलत दें, मगर उसके अलावा जो कुछ होना था वो अपना बेगम साहिबा के जाने के बाद मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। उस ज़माने में 5,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जो वहाँ के इंचार्ज जो इंचार्ज था वहाँ का उसको कहा गया, और उसके बाद आज तक उन्होंने कभी का पैसे का जिक्र नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से जब आज़ाद कश्मीर से खुद तंग होकर बड़ी मुश्किलों से वहाँ से वैगन कराई, और वैगन करा के मैं अपने घर आ गया। अच्छा शाह साहब, आपकी कोई यादगार तस्वीर जो आपने बनाई हो, जो बहुत मकबूल हुई हो, जो आपने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुई है ना, उससे पहले सूरज डूबने की एक तस्वीर बनाई थी मैंने जाकर पार्क में। बेनज़ीर ने जहाँ खिताब किया उसको लेकर और सूरज डूबते हुए, वो मेरी कामयाब तस्वीर पाकिस्तान में बेहतरीन तस्वीर वही थी जिसने मुझे मज़ीद उभारा और हर जगह मेरी इज्जत बनाई उस तस्वीर में।
अच्छा शाह साहब, आप मेरा ख्याल 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में। जी बिल्कुल। तो ये जो बेनज़ीर भुट्टो का वाकया हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो को यहाँ लियाकत बाग में शहीद किया गया, आप इधर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं मौजूद था। बेगम साहब जब रावलपिंडी आई हैं और मरी रोड पे जब आ रही थी, मैं उनकी गाड़ी के आगे आगे आ रहा था। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा खिताब करने के लिए अंदर आ गई, हम लोग बाहर ही थे। उसके बाद कुछ 10-15 मिनट के बाद मुझे कॉल आई कि नवाज शरीफ के लोगों ने अपना एक जगह पे गाड़ियों को रोका हुआ है। हम लोग तकरीबन, मेरे ख्याल है कुछ 100-200 गज चला होगा, जो मैंने इस धमाके की आवाज़ सुनी है। जब बेगम साहब वापस जा रही थी, उस धमाके की आवाज़ थी सुनी है और लाशों को मैंने देखा अपनी आँखों से। उसके बाद मुझे खुद होश नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर। तो आप इस वक्त अपने जो नए आने वाले फ़ोटोग्राफ़र हैं, लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी फ़ोटोग्राफी में निखार पैदा करें? सर जी, मैं एक बात जानता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे, दिल का अटैक होने के बाद अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं दोबारा इस फील्ड में आया हूँ। खबरें अखबार से मेरा तल्लक है, इससे पहले मुख्तलिफ अखबारों से, नवेल में मैंने 8 साल नौकरी की, वहाँ से फिर मैंने खबरें में गया हूँ। खबरें में मैंने बैठ के अच्छी से अच्छी तस्वीरें भेजी, मगर अपने जहन को ठंडा रख कर। जब तक फोटोग्राफर अपनी इज्जत ना बनाना चाहे ना, तब तक जहन को ठंडा रखें। जब जहन ठंडा होगा तो हर चीज़ आपको अच्छी से अच्छी बनाने को मिलेगी। मैं भी इस वक्त, यानी कि मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं फिर भी चल फिर रहा हूँ, और जब मुझे दिल का अटैक हुआ है, मुझे हॉस्पिटल से मना कर दिया गया था कि आप बिस्तर पे कम 1 साल बिस्तर पे पड़े रहेंगे, मगर मेरे ख्याल एक हफ्ता भी नहीं मैंने गुजारा बिस्तर के पास, क्योंकि मेरी बेचैनी थी कि मैं फील्ड में हूँ तो जिंदा हूँ, अगर मैं बिस्तर पे पड़ गया तो समझ लो तो मैं दुनिया से चला। अच्छा शाह साहब, अब हालात ये हैं कि सहाफत का गला घोटा जा रहा है, साफियों को डराया धमकाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अदारे बंद किए जा रहे हैं, तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि साफियों की फलाह बहबूद के लिए वो क्या करें? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म और सबका वज़ीर आज़म, इन लोगों को यही मैं कहता रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, गरीब लोग हैं और गरीब लोगों में शामिल होते हैं। जिस तरह मजदूर अपनी मजदूरी करने के लिए निकलता है, इसी तरह हम लोग भी अपनी मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमें किस वक्त कौन सी गोली हमें किस से लग जाए, हमने कभी परवाह नहीं की। मेरे फोटोग्राफों को, मैं अपने तमाम फोटोग्राफों को एक ही चीज़ दूँगा कि ठंडे दिमाग और इज्जत बनाने के लिए हर वो काम करें जिसमें आपको हर जगह से इज्जत मिले। जी नाज़रीन, ये उसफ़त शाह साहब हैं जो नहायत ही सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसा इन्हें हो गया इस फील्ड में, और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।